साइलेंस सब लोग। जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। दोनों पैर आपस में मिलाइए, मिलाइए दोनों पैर आपस में, मिलाइए दोनों पैर आपस में। दोनों एड़ी आपस में मिलाइए, दोनों एड़ी आपस में मिलाइए। दोनों पैर आपस में मिलाइए, आपस मिलाइए। डायरेक्शन चेंज, उधर देखिए पूरे नॉर्मल खड़ा हो गया बिल्कुल। वापस एडी मिलाइए दोनों आपस में, नॉर्मल डायरेक्शन चेंज। जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप दोस्तों को कि इंडियन आर्मी रैली भर्ती में मेडिकल टेस्ट होता है, वहां पर आपका नौकरी किस तरह चेक किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैंने 3 बार इंडियन आर्मी के रैली भर्ती में मेडिकल फिजिकल क्लियर किया, और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि मेरा मेडिकल टेस्ट में नौकरी किस तरह चेक किया गया था। एक बंदा आ जाइए बेटा, आ जाए एक बंदा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इंडियन आर्मी रैली भर्ती में नौकरी किस तरह चेक किया जाता है। दोनों पैर को आपस में मिलाइए, फट सामने सब लोग मिलाइए दोस्तों। इस तरह वहां पर डिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों। देखिए आप सेकंड, दोनों एड़ी आपस में मिलाइए। हाँ दोस्तों देखिए, उधर देखिए सामने, उधर देखिए आपस। दोस्तों देखिए यहां पर हल्का सा गैप होना चाहिए, पास लेके आओ कैमरा को, यहां पर गैप होना चाहिए दोस्तों। ये डिस्टेंस पूरा क्लियर तरीके से हो जाना चाहिए। कभी आप इस तरह वहां पर है तो उधर देखिए सामने, तो जी हाँ दोस्तों आप एकदम फिट हो जाएंगे। और दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैं 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, और कभी ये 4 से 5 एक्सरसाइज आप रेगुलर कर रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों मैं विश्वास और आशा दिलाता हूं आपकी नौकरी वाली प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको प्रतिदिन करना। सब लोग खुश हो, सब लोग पास हो जाइए, पास हो जाइए। अंदर सब लोग अपने हिस्सा में बैठ जाइए। दोस्तों मैं केवल 5 एक्सरसाइज बता रहा हूं, और कभी ये 5 एक्सरसाइज को आप रेगुलर कर रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों मैं विश्वास और आशा दिलाता हूं आपके घुटना दोष वाली प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। चलो ध्यान दिए सभी लोग, सबसे पहले आप जंपिंग जैक्स मारिए, बॉडी को गर्म करिए, जंपिंग जैक्स फुल। दोस्तों देखिए एक्सरसाइज के पहले आपको रनिंग भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है नॉर्मल वाली, और उसके बाद में 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊंगा वो आपको रेगुलर करना है। फुल खींच के मारो नॉर्मल। दोस्तों पहली एक्सरसाइज 4 मिनट का डिस्टेंस बनाइए, 4 मिनट का, और दाएं पैर पे बैठना आपको डाउन, फुल डाउन। दोस्तों देखिए आप यहां पर जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही तगड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक्सरसाइज वर्कआउट के बाद में आपको करना है। सब लोग खुश हो, यस सर। अप डाउन फुल पूरा, अप डाउन अप, 15-15 के 3 सेट मारना है दोस्तों आपको। डाउन अप डाउन अप नॉर्मल। दोस्तों पहले एक्सरसाइज खत्म होगा, इसके बाद में दोस्तों देखेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। दोनों एड़ी को आपस में मिलाइए, फ्रंट सामने एंगल बनाइए, डाउन यहां पर फुल स्ट्रेच होगा, पूरा बैठिए पूरा बैठिए। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप नॉर्मल। दोस्तों दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप बोलेंगे दोस्तों एल पोजिशन आएंगे, हिप्स वाली, हिप्स वाली पैर को पूरा स्ट्रेट करो यहां पर पूरा। दोस्तों यहां पर जितना ज्यादा स्ट्रेच होएगा एंकल के पास मतलब ई के पास उतना ही सब। अब खींच के डाउन, खींचा आ रहा है जी सर। अब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप लेग चेंज। दोस्तों वापस बोलना चाहूंगा प्रत्येक एक्सरसाइज को आपको रिपीटेशन पे करना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन नॉर्मल।
तीन एक्सरसाइज खत्म हो गए, चौथी एक्सरसाइज दोस्तों ये वाला पैर मुझे खंधे पे यहाँ पर रखना है, रखिए पूरा पैर ये वाला पैर यहाँ पर दोस्तों, देखिए पूरा स्ट्रेच, हाँ डाउन खींची बॉडी को एक बार राय के लिए दिल से ताली बजा बेटा, डाउन कोई बात नहीं, अप डाउन अप डाउन अप लेग चेंज आइए वापस रखिए पूरा आराम से आराम, पैर स्टार्ट पूरा डाउन अप डाउन अप डाउन। दोस्तों क्या होता है जितना ज्यादा आप रनिंग करोगे तो जो चर्बी होती ना वो चर्बी आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, और जो आपकी नौकरी वाली प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है रनिंग करना है, डाउन अप डाउन नॉर्मल, कितने एक्सरसाइज होगी बेटा चार। दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज होगी दोस्तों बटरफ्लाई, बताइए बटरफ्लाई बटरफ्लाई पूरा खींच के पूरा, और हो सके तो दोस्तों यहाँ पर आप खींच दे सकते हैं ये वाला आराम से रखो, ये वाला यहाँ पूरा, जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही तगड़ा आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन रनिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। जब आप रात को सो रहे हैं सोने के पहले आप अच्छी व्यवस्था कर लें, ईंट वगैरह दोनों घुटने के बाद में क्या बनना आपको ईंट बांधना है, मतलब कठोर पदार्थ, और आराम से इसे सोना है, पूरे पांच एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना है, रनिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। मैं विश्वास और आशा दिलाता हूँ आप लोगों को आपकी नौकरी वाली प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को भी अच्छा लगा तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, भारत माता की जय। और जी हाँ दोस्तों हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो गई है, आप भी आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी फौजी बनिए। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है वो आप जरूर बोलोगे एक बार भारत माता की जय।